उसके बाद चैप्टर एट से रिलेटेड अगर आप डिस्कस करना चाहो ट्रिक, तो सबसे पहली चैप्टर एट में जितनी चीज़ें मेजॉरिटी वो कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, बस एक है सिग्मा नोटेशन जो है आपके पास, उसको आप कैलकुलेटर के जरिए से सॉल्व कर सकते हो। लेट्स से अगर आपके पास ये सिग्मा नोटेशन आ रही है, एन वन से लेके टेन है और क्या है एन है, ठीक है। इसको अगर आपने मैनुअली सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, एन की वैल्यू वन पुट करोगे, फिर एन की वैल्यू टू, और सबको ऐड करोगे, ठीक है। कैलकुलेटर में कैसे आप कर सकते हो, इसका फॉर्मूला भी होता है एन एन प्लस वन ओवर टू, तो आप डायरेक्ट एन की जगह पे टेन पुट करो, ये आपके पास डायरेक्ट आंसर भी दे देगा। लेकिन ये है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बिल्कुल इस तरह कर सकते हो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है आप वैसे कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो आप गौर से देखो इस वाले बटन को, ये लॉग वाला बटन है, इसके ऊपर ये सिग्मा नोटेशन है, ठीक है। तो आप क्या करो, ये शिफ्ट दबा के आएगी, तो आप शिफ्ट दबाओ, आपके पास ये आ जाएगा। सबसे पहले फंक्शन क्या है, n है। अच्छा, कैलकुलेटर में देखो x लिखा हुआ है, तो यहाँ अगर x है, जैसे इधर n था तो मैंने इधर भी n लिख दिया था, तो यहाँ अगर x है तो इधर भी आप x की फॉर्म में कुछ लिखोगे, तो यहाँ पे आप लेट से x लिख दो। अच्छा, x कैसे आता है, ये x लिखा हुआ है, अगर आप गौर से देखोगे ये रेड में है, ठीक है। तो रेड में कैसे आता है, अल्फ़ा दबा के, अल्फ़ा ये वाला बटन दबाओ तो आपके पास x आ गया। अब आप लिमिट लिखो, नीचे वाली लिमिट क्या है वन और ऊपर वाली क्या है टेन, सॉल्व करो, आपके पास डायरेक्ट 55 आ रहा है। अगर आप इस फॉर्मूले में 10 पुट करोगे यहाँ से आंसर भी 55 ही आ रहा होगा, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। उसके बाद जो यूज़फुल ट्रिक ये है कि अगर आपके पास इस टाइप की सीरीज़ गिवन है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू 50 का स्क्वायर, अच्छा इसका भी फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले में पुट करके डायरेक्ट 50 आंसर निकाल सकते हो। फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद तो आप अगेन सिग्मा की फॉर्म यूज़ करो। ये अगर आप गौर से देखो तो इसकी जनरल फॉर्म में बनाऊँ तो ये एन स्क्वायर है, ठीक है। सिग्मा की फॉर्म में लिखूँ तो ये इस तरह लिखोगे, एन वन से लेके 50 एन स्क्वायर, मतलब एन की जगह वन पुट कर रहे हो, फिर टू पुट कर रहे हो, फिर थ्री पुट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिख दो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद, फॉर्मूला याद है तो आप उस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। एन स्क्वायर मतलब कैलकुलेटर में एक्स आता है, अल्फा दबा के आप एक्स स्क्वायर कर दो, ठीक है। नीचे वाली लिमिट वन है, अपर लिमिट 50 है, तो डायरेक्ट आपके पास आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, 42925। अगर आप मैनुअली फॉर्मूले से करोगे शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन आंसर उससे भी आपका आसानी से आ जाएगा। और तीसरी चीज़, लेट से अगर आपके पास इस तरह आ रहा है 10 प्लस 11 प्लस करते करते आपको 50 निकालना है, ठीक है। तो वैसे हम इसको किस तरह करेंगे, अगर आप वैसे देखो तो इसको इस तरह करोगे आप कि यहाँ पे आएगा n, n 1 से लेके 50 माइनस n 1 से लेके 9, तो आपके पास 10 प्लस 11 प्लस 50 तक का सम आ जाएगा। इस चीज़ को मैंने आप लोगों को समझाया है चैप्टर 8 के पास पेपर में, एनडी में ये सवाल आया हुआ था, किस तरह सॉल्व करोगे, इस तरह सॉल्व करोगे। अब यह एन आएगा, अब इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे भी आप फॉर्मूला लगा दो, एन प्लस वन ओवर टू माइनस एन एन प्लस वन ओवर टू, इधर एन की वैल्यू 9 पुट करो, इधर एन की वैल्यू 50 पुट करो। अगर आप इस तरह नहीं करना चाह रहे तो कैलकुलेटर से कर लो। कैलकुलेटर में सबसे पहले आप एक्स लिखो, ठीक है, लोअर लिमिट 1 है, फिर अपर लिमिट 50 है, माइनस इसमें आप लिखो x, अगेन इसमें लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 9 है, डायरेक्ट सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1230। तो आपको इस कैलकुलेशन से बच जाओगे और ये आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चैप्टर 8 में यही चीज़ें जिनको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा वो होगी डिग्री टू रेडियन। ये आप लोगों को पता होगा कि अगर आप डिग्री से, लेट से 120 डिग्री है, इसको आप रेडियन में चेंज करना चाह रहे हो तो आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपका रेडियन में चेंज हो जाएगा। अगर आप लेट से कोई रेडियन में एंगल गिवन है पाई बाय 6, इसको डिग्री में चेंज करना चाह रहे हो तो आप 180 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर जो है वो डिग्री के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर इमेजिन करो ये आप भूल जाओ, ये कन्फ्यूजन भी बड़ी होती है, अगर आप भूल जाओ कि आपने किसको किससे मल्टीप्लाई करना है तो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। लेट से मैं आपको एक सवाल देता हूँ, 4/3π, ये रेडियन में एंगल गिवन है, ठीक है, और मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे आंसर चाहिए डिग्री के अंदर। अब आप भूल गए हो कि मैं इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूँ या 180/π से मल्टीप्लाई करूँ, तो टेंशन नहीं लेनी, कैलकुलेटर आपकी हेल्प करेगा। बस एक बात आपको याद रखनी है, आपको आंसर किस में चाहिए, डिग्री के अंदर, तो कैलकुलेटर को आप डिग्री में कन्वर्ट कर लेना। डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि आप शिफ्ट दबा के मॉड दबाओ, 3 पे आ रहा है डिग्री तो आप 3 दबा दो। अगर आप गौर से देखो तो ऊपर छोटा सा डीन आपको नज़र आ रहा होगा, मतलब आपका कैलकुलेटर डिग्री में चेंज हो गया। अब आप करना क्या चाह रहे हो, आप 4/3π को डिग्री में चेंज करना चाह रहे हो, तो ऊपर आपने डिग्री कन्वर्ट कर लिया, फिर आप क्या करो, आप कैलकुलेटर में लिखो 4/3। अच्छा, पाई कैसे आता है, शिफ्ट दबा के
ये वाला बटन शिफ्ट दबाओ, ये वाला बटन दबाओ, ठीक है। अब आप क्या करो, एक बटन है कैलकुलेटर में ये वाला, आंसर के ऊपर देखो DRG लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करो, शिफ्ट दबा के ये वाला बटन दबाओ। जीरो का मतलब है डिग्री, R का मतलब है रेडियन, और ये छोटा सा G जो है इसका मतलब ग्रेडियन होता है, इससे हमारा ताल्लुक नहीं है। बहरहाल 4/3 रेडियन के अंदर है ना, तो आप 2 दबा दो, छोटा सा R नज़र आ रहा है, इक्वल दबाओ। ये आपके पास जो एंगल आया, ये आपके पास डिग्री के अंदर आ गया, अगर आपका कैलकुलेटर डिग्री के अंदर है। अगर रेडियन के अंदर होगा तो फिर यही एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर डिग्री के अंदर था, रेडियन आपने आसानी से डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। लेट से अगर आपके पास 120 डिग्री हो और इसको आपने रेडियन में चेंज करना, तो सबसे पहले आप अपने कैलकुलेटर को रेडियन में चेंज करो, शिफ्ट मॉड 4 पे रेडियन है, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आप क्या करो, 120 अभी डिग्री के अंदर है, तो आप शिफ्ट दबा के ये एन आंसर वाला बटन दबाओ। आपका एंगल डिग्री के अंदर है तो 1 पे डिग्री है, ठीक है, और इक्वल का बटन दबा दो। अब जो आपके पास एंगल आया है वो रेडियन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो बिलफर्ज अगर आप ये भूल जाओ तो ये ट्रिक आपको काफ़ी हेल्प करेगी डिग्री और रेडियन की कन्वर्जन में, ठीक है। उसके बाद सेकंड ट्रिक जो है वो है, डिग्री से अगर आपने DMS सिस्टम में जाना है, मतलब डिग्री मिनट सिस्टम में, लेट से 25.36 डिग्री लिखा हुआ है और इसको आपने डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप किस तरह करोगे, आप कैलकुलेटर में लिखोगे 25.36, इक्वल का बटन दबाओ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, ये इस बटन को गौर से देखो, ये वाला बटन जिसमें कॉमा 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 लिखा हुआ है, इसको आप दबाओ, तो 25.36 को आपने चेंज कर लिया 25 डिग्री 21 मिनट्स और 36 सेकंड में। तो ये कन्वर्जन होगी अगर आप डिग्री से DMS सिस्टम में जाना चाह रहे हो। लेट कर लो अगर यही DMS सिस्टम गिवन है आपको, 25, अच्छा लिखोगे कैसे, अगर आपने इसको लिखना है कैलकुलेटर में तो आप लिखोगे इस तरह 25, उसके बाद ये वाला बटन दबाओ, फिर 21, अगेन ये वाला बटन दबाओ, फिर 36, अगेन ये वाला बटन दबाओ। तो इसका मतलब है 25 डिग्री 21 मिनट 36 सेकंड, इक्वल का बटन दबा दो। अब अगेन ये तो DMS में ही है ना, आपने डिग्री में जाना है, तो आप क्या करोगे, इक्वल दबाने के बाद अगेन ये वाला बटन जो है इसको दबाओगे, आपके पास आंसर जो है वो डिग्री के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो डिग्री से DMS भी मैंने बता दिया और DMS से अगर आपने डिग्री में जाना है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहले 2 ट्रिक तो ये हैं। उसके अलावा अगर आप देखो तो सिंपल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने, लेट से अगर सवाल में आपने साइन 20 डिग्री निकालना है, ठीक है, ईजी कर लेते हैं, साइन 30 डिग्री, तो ये साइन कॉस टेंजेंट के बटन है, आप साइन 30 लिखोगे, आंसर आपके पास आ जाएगा गलत, क्यों ये चीज़ बतानी है आपको। देखो अगर आप सिंपल साइन फंक्शन की बात करो, मतलब सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेंजेंट जो है, मैं इनवर्स की बात नहीं कर रहा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो आप एंगल पुट कर रहे हो ना, आपका कैलकुलेटर भी उस मॉड के अंदर होना चाहिए। अब देखो मैंने पुट किया है डिग्री के अंदर और मेरा कैलकुलेटर किसके अंदर है, अगर आप गौर से देखो ऊपर आर लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब रेडियन के अंदर है, तो आंसर मेरा गलत आ गया। तो सबसे पहले अगर आप डिग्री में पुट करना चाह रहे हो अपने कैलकुलेटर को, आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो, शिफ्ट दबा के मॉड में, ठीक है। जब डिग्री में कन्वर्ट हो गया उसके बाद अब आप डिग्री में एंगल पुट करो, आपके पास सही आंसर आ जाएगा। अगर आप कोई रेडियन में एंगल पुट करना चाह रहे हो तो अपने कैलकुलेटर को आप रेडियन में कन्वर्ट करो, उसके बाद अब आप रेडियन में पुट करो, लेट से π/6 वही 30 डिग्री के बराबर ही होता है, तो आपके पास वैल्यू सही आ रही है। तो जो एंगल यहाँ पे पुट कर रहे हो आपका कैलकुलेटर भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर डिग्री में पुट कर रहे हो तो डिग्री में कैलकुलेटर हो, रेडियन में पुट कर रहे हो तो रेडियन में कैलकुलेटर में हो, तब आपके पास आंसर सही आएगा, वरना आपके पास आंसर गलत हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने किस तरीके से पुट करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप पुट कर लोगे, लेट से साइन पुट कर सकते हो, आप कैलकुलेटर में कॉस फाइंड कर सकते हो, आप कैलकुलेटर में टेंजेंट फाइंड कर सकते हो, सॉरी ये तो एलन हो गया, टेंजेंट फाइंड कर सकते हो। अगर आपको कॉट फाइंड करना है, लेट से कॉट 45 डिग्री, आपको कोसेक मालूम करना है, लेट से कोसेक क्या मालूम करना है, कोसेक 45 डिग्री कर लेते हैं, और आपको सेक 45 डिग्री मालूम करना है, तो कॉट 45 डिग्री किसके बराबर होगा, 1/tangent 45 डिग्री। अगर कॉट 45 मालूम करना है आप कैलकुलेटर में लिखो 1/tangent 45 डिग्री। अच्छा मेरा कैलकुलेटर मेरे ख्याल में रेडियन के अंदर हुआ हुआ है, हाँ तभी गलत है, तो शिफ्ट दबा के डिग्री में करो 1/tangent 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास कॉट 45 डिग्री क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया। लेट्स अगर आप कोसेक 45 डिग्री निकालना चाह रहे हो तो आप 1/sin लिखो, 1/sin 45 डिग्री, आंसर आपके पास आ जाएगा √2, ठीक है। और अगर आप sec 45 का आंसर निकालना चाह रहे हो तो आप कैलकुलेटर में लिखो 1/cos 45 डिग्री, ठीक है, तो आंसर आपके पास √2 आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप कैलकुलेटर में
टेंजेंट 90 डिग्री लिखोगे तो आपके पास मैथ एरर आ जाएगा। देखो दो टाइप के एरर आते हैं कैलकुलेटर में, एक मैथ एरर होता है, मैथ एरर मतलब इस चीज़ को मैथ डिफाइन नहीं कर पा रही, टेंजेंट 90 अनडिफाइन होता है, ठीक है, जिसको आमतौर पर हम इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, तो कैलकुलेटर आपको मैथ एरर शो करेगा। एक ये एरर होता है, दूसरा सिंटेक्स एरर होता है, वो उस वक्त आता है जब आप कोई गलती करो, लेट्स से 1/cos 45 है ना, अब मैं ब्रैकेट लगाना भूल जाऊँ तो मेरे पास सिंटेक्स एरर आएगा। तो अगर आप ये वाला बटन, मतलब इस तरफ वाला ये बटन दबाओगे तो आपको उसी जगह पे छोड़ेगा जहाँ आपने गलती की थी, मतलब इस जगह पे आपने गलती की हुई है, तो आप गलती को ठीक करो, ब्रैकेट लगाओ तो एरर नहीं आएगा। तो ये दो टाइप के बाय द वे एरर आ रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप कैलकुलेटर से कोसेक 0 निकालना चाहोगे तो एरर आएगा। कोसेक 0 कैसे निकालोगे, 1/sin 0, और आपको पता है साइन 0 0 होता है और 1/0 अगेन अनडिफाइंड होता है, तो कैलकुलेटर आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है, चैप्टर 9 में यही चीज़ें आपकी जहन में होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप देखो चैप्टर 10 में कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, चैप्टर नंबर 11 जो है आपका ग्राफ से रिलेटेड उसमें कुछ नहीं है, चैप्टर नंबर 12 जो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल उसमें वही जनरल आपके पास फंक्शन है साइन कोसाइन, वही आपको कैलकुलेट करना है। आखिरी चैप्टर है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में दो तीन बातें जो आपको जहन में रखनी है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने इनवर्स फाइंड करना हो, आपके पास सवाल में लिखा हो साइन इनवर्स 1/2, एक चीज़ जहन में रखो, साइन में हम एंगल पुट करते हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम एंगल पुट कर रहे होते हैं और इनवर्स में हम वैल्यू पुट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम एंगल पुट करते हैं, रिजल्ट में हमें कोई वैल्यू मिलती है, इनवर्स में हम वैल्यू पुट करते हैं, रिजल्ट में हमें एंगल मिलता है, इस चीज़ को जहन में रखना। अच्छा देखो, नॉर्मल साइन फंक्शन जो थे उसमें अगर आप डिग्री में पुट कर रहे हो, कैलकुलेटर डिग्री में होना चाहिए तब आंसर ठीक आएगा, वरना गलत आएगा। यहाँ पे अगर आप लेट्स से साइन इनवर्स फाइंड करना चाह रहे हो 1/2, अगर आपका कैलकुलेटर डिग्री के अंदर है तो आंसर में जो एंगल आएगा वो डिग्री के अंदर आएगा, और अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन के अंदर है तो आंसर में जो एंगल आएगा वो रेडियन के अंदर होगा। इस वाले केस में, इनवर्स वाले केस में आपका आंसर गलत नहीं हो सकता, सिंपल वाले फंक्शन में आपका आंसर गलत हो सकता है कि अगर कैलकुलेटर आपका डिग्री के अंदर है और अगर आप एंगल रेडियन के अंदर पुट करो तो वैल्यू गलत हो जाती है, यहाँ पर गलत नहीं होती, ठीक है। लेट्स से अभी मेरा कैलकुलेटर किसके अंदर है, अगर आप गौर से देखो तो मेरा कैमरा नहीं फोकस कर पाएगा, नहीं है ये, देखो गौर से देखो डी लिखा हुआ है ऊपर, तो अभी डिग्री के अंदर है। आप क्या करो, साइन वर्स 1/2 फाइंड करो, आपको डिग्री में एंगल मिल गया 30 डिग्री। लेट्स से अगर आपका कैलकुलेटर शिफ्ट मॉड रेडियन में है, ठीक है, अब आप साइन वर्स 1/2 निकालो, अब आपको रेडियन में एंगल मिल गया π/6, तो इसमें आंसर गलत नहीं होता, जिस मॉड में आपका कैलकुलेटर होगा उस मॉड में आपको एंगल मिल जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये जहन में रखनी है। दूसरी बात चैप्टर नंबर 13 में आपने ये रखनी है कि अगर आपको, अच्छा देखो कैलकुलेटर में साइन इनवर्स कैसे आता है या कॉस इनवर्स, जो साइन वाले बटन है ना, अगर शिफ्ट दबाओगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा, शिफ्ट दबा के कॉस दबाओगे तो कॉस इनवर्स आ जाएगा, और शिफ्ट दबा के टेंजेंट दबाओगे तो टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा, इस तरह तो आपने साइन इनवर्स टेंजेंट इनवर्स लिखने हैं। व्हाट अबाउट कि अगर आपको सेक इनवर्स निकालना हो, सेक इनवर्स लेट से आपको √2 निकालना हो, लेट कर लो अगर आपको कॉस इनवर्स 2 निकालना हो, लेट कर लो आपको सॉरी कोसेक इनवर्स 2 निकालना हो, लेट कर लो अगर आपको कॉट इनवर्स 1 निकालना हो, या इसको लिखते हैं 1/√3 निकालना हो, कॉट इनवर्स 1/√3, तो ये कैलकुलेटर से कैसे निकालोगे। देखो अगर आपको सेक इनवर्स √2 निकालना है तो सेक इनवर्स √2 बराबर होता है कॉस इनवर्स √2 है ना, तो आप 1/√2 कर दो, रेसिप्रोकल करना है आपने, सेक इनवर्स √2 बराबर होगा कॉस इनवर्स 1/√2 के, इधर √2 था तो इधर 1/√2 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने कोसेक इनवर्स 2 निकालना था तो ये बराबर होता है साइन इनवर्स 2 को रेसिप्रोकल करो 1/2, ठीक है। तो अगर कोसेक इनवर्स निकालना है आप कैलकुलेटर में साइन इनवर्स लिखो, जो चीज़ इधर लिखी हुई है उसको आप रेसिप्रोकल कर दो। इसी तरह लेट्स से अगर आपको निकालना हो कॉट इनवर्स 1/√3 तो आप कैलकुलेटर में लिखो टेंजेंट इनवर्स 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √3 के बराबर होगा, और मैं करके भी दिखा देता हूँ। लेट्स से अगर आपको कॉट इनवर्स 1/√3 निकालना है तो आप कैलकुलेटर में लिखो टेंजेंट इनवर्स 1/√3 निकालना था ना कॉट इनवर्स, तो आप कैलकुलेटर में लिखो √3 टेंजेंट इनवर्स √3, तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा π/3, ठीक है। आमतौर पर स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो इसको नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, वो कॉट इनवर्स को इस तरह निकालते हैं 1/tangent इनवर्स के, ऐसा नहीं होता, कॉट इनवर्स बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स जो इधर लिखा हुआ है उसको आप रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।
तो गाइस चैप्टर नंबर सॉरी फर्स्ट ईयर के जितने चैप्टर थे उनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रिक्स थी मैंने आप लोगों से शेयर कर ली हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड ईयर की सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।